गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बेसिक हमने पढ़ लिया था, उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे इसके टाइप। तो सबसे पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेयर ऑफ सेल। अगर हम बात करें लेयर ऑफ सेल के बेस पे, तो एपिथेलियल टिश्यू टू टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? टू टाइप्स का होता है। एक होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। क्या होता है? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। एंड सेकंड होता है स्ट्रेटिफाइड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। तो दो टाइप के टिश्यू होते हैं, एक होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड एक होता है स्ट्रेटिफाइड या फिर कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। देखिए सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? दोज टिश्यू विच आर मेड अप ऑफ ओनली दोज टिश्यू विच आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। इनमें क्या होती है? ओनली सिंगल लेयर होती है सेल की, ठीक है। दोज टिश्यू विच आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं? दोज टिश्यू विच आर मेड अप ऑफ ओनली मोर देन वन और टू लेयर ऑफ सेल्स। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है? जिसमें दो लेयर पाई जाती है सेल की, ठीक है। एक से ज्यादा या फिर एक या दो से ज्यादा सेल्स की लेयर पाई जाती है। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? जिसमें ओनली सिंगल लेयर पाई जाती है सेल की। एंड स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं? जिसमें एक से ज्यादा लेयर पाई जाती है सेल की, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल्स। अब हम बात करते हैं शेप ऑफ सेल्स, सेल की शेप के बेस पे टाइप्स के, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। देखिए कि जितनी भी सेल होती है ना, जैसे मैंने बताया सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में, स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम में, जितनी भी सेल्स होती है ये रेस्ट करती है बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। किस पे रेस्ट करती है बेटा? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। मैंने आपको बताया था बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है, ये एपिथेलियल टिश्यू के बिलो मिलती है, नीचे मिलती है, नॉन सेलुलर होती है, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। प्रोटीन क्या होते हैं? कोलेजन फाइबर्स प्रोटीन। एंड कार्बोहाइड्रेट्स कौन सा था? ग्लाइको प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स था, ठीक है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है? नॉन सेलुलर या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन होती है, जिसपे सभी सेल रेस्ट करती है, ठीक है। देखिए स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम बात कर रहे थे, इसमें जो सेल की शेप होती है, क्या सेल की शेप वो कैसी होती है? देखियो राउंड स्फेरिकल एंड पॉलीगोनल होती है। कैसी होती है? राउंड स्फेरिकल और पॉलीगोनल शेप की सेल्स में पाई जाती है। ये जो सेल होती है ना, इनका नेचर फ्लैट होता है। कैसा नेचर होता है? इनका फ्लैट नेचर होता है, ठीक है।
देखिए अभी मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने ये बना दिया, यहाँ पे कोई एक ये बेसमेंट मेन ड्रेन बना दी, ठीक है। देखिए थोड़ा सा ऊपर बना रही हूँ मैं डायग्राम, किसका? स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू का, ठीक है। तो स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, जितने भी टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू जो है ये किस पे रेस्ट करता है बेटा? बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट करता है। और बेसमेंट मेम्ब्रेन अभी मैंने बताया था क्या होती है, ये प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है, ठीक है। तो देखो ये जैसे बेसमेंट लेयर हो गई, ठीक है, ये क्या हो गई? बेसमेंट लेयर हो गई, इसको मान लेते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके ऊपर जो सेल होती है इनका नेचर कैसा है, क्या शेप है इनकी? पॉलीगोनल शेप है। कौन सी शेप है इनकी? पॉलीगोनल शेप है, ठीक है। इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस? सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहां से हम बात करते हैं इसके न्यूक्लियस की, किसकी बात करते हैं? न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस कैसा है इसमें? राउंडेड शेप का है। कैसा शेप है? राउंडेड। नेचर कैसा है इसका? फ्लैट। कैसा नेचर है इसका? फ्लैट। और न्यूक्लियस कहां प्रेजेंट होता है सेल के? सेंटर में प्रेजेंट होता है। कहां पे प्रेजेंट होता है सेल के? सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये था स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू की शेप, राउंडेड स्फेरिकल पॉलीगोनल शेप की होती है। इसमें जो सेल्स मिलती है नेचर कैसा होता है? फ्लैट होता है, ठीक है। न्यूक्लियस इसमें राउंड होता है, उसका भी नेचर कैसा होता है? फ्लैट। और प्रेजेंट कहाँ होता है न्यूक्लियस? सेल के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू है इसके टाइप्स के बारे में और ये कहाँ पे मिलता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू के टू टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? टू। एक होता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। कौन सा टिश्यू? सिंपल, यहाँ पे लिख रही हूं मैं। एक होता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। देखिए एंड एक होता है स्ट्रेटिफाइड या फिर कंपाउंड भी हम इसको बोल सकते हैं, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो देखिए जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है ओनली सिंगल सेल का बना होता है, ठीक है। ये मिलता किसमें है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू कहाँ मिलता है? इट इज फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ, इट इज फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, बोमन कैप्सूल, लंग्स एल्वियोलाई, लंग्स एल्वियोलाई, ठीक है। तो कहां कहां मिलता है ये? लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, बोमन कैप्सूल एंड लाइनिंग ऑफ लंग्स एल्वियोलाई, ठीक है। और जो लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स होती है, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स इस लाइनिंग को हम बोलते हैं एंडोथेलियल लाइनिंग, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा टाइप क्या था, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड
आइडेंटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ये बेटा कहाँ मिलता है, देखिए ये मिलता है एपिडर्मिस ऑफ स्किन, एपिडर्मिस ऑफ स्किन। देखो स्किन की टू लेयर होती है, एक होता है डर्मिस एंड एक होता है एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस जो होती है वो अपर लेयर होती है, ठीक है, एंड डर्मिस जो होती है वो लोअर लेयर होती है, ठीक है। तो कहाँ मिलता है ये एपिडर्मिस ऑफ स्किन, फेस, ईसोफेगस, बक्कल कैविटी, वजाइना एंड एनल कैनाल, ठीक है। ये कहाँ मिलता है एपिडर्मिस ऑफ स्किन, फेस, ईसोफेगस, बक्कल कैविटी, वजाइना एंड एनल कैनाल। और मेनली कहाँ मिलता है, इट इज जनरली फाउंड इन मोस्ट रियल एंड टियर पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के उस पार्ट में मिलता है जहां पे मोस्टली क्या होता है, रियरिंग एंड टियरिंग होता है, ठीक है। तो देखिए अब हम बात करते हैं लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड का। तीन टाइप की होती थी, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज पढ़ा था आपने, ठीक है। अब हम बात करते हैं बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल क्या होता है, देखिए आपने सुना होगा किडनी, किडनी जो होती है उसमें
बनी होती है, ठीक है। और जो लाइनिंग होती है ब्लड वेसल्स की, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथेलियल लाइनिंग बोलते हैं, ठीक है। दूसरा जो टाइप मैंने बताया, स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, ये किसमें मिलता है, एपिडर्मिस ऑफ स्किन, फैरिंक्स, ईसोफेगस, फूड पाइप जिसको हम बोलते हैं, वजाइना, इन सब में क्या मिलता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू मिलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके फंक्शन की, फंक्शन ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। तो देखिए, पहला फंक्शन जो है मेन है, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रोब्स, ठीक है। दूसरा फंक्शन हमें यहाँ से देखना है, देखो मैंने आपको बताया था बोमेन कैप्सूल, ठीक है। तो जो बोमेन कैप्सूल है, इसकी लाइनिंग भी किसकी बनी होती है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की। तो जो बोमेन कैप्सूल है, इट इज द मेन साइट ऑफ, इट इज द मेन साइट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये क्या होती है, मेन साइट होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन हम देखेंगे, इट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है, जो लंग्स एल्वियोलाई होती है, एल्वियोलाई क्या थी, फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, ये किसमें हेल्प करती है, हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, किसमें हेल्प करती है, गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करती है, ठीक है। इट क्या करते हैं, इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन, किसमें हेल्प करते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन होता है, देखिए एनी मटेरियल जैसे ब्लड का ही हो गया, किसके द्वारा होते हैं, ब्लड वेसल्स के द्वारा, लिम्फ वेसल्स के द्वारा क्या होता है, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। और कौन से प्रोसेस के द्वारा होता है, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, किसके प्रोसेस के द्वारा, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, देखिए क्या होता है, इसमें सॉल्वेंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या होता है, उनका मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, ठीक है। और डिफ्यूजन में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ एनी मटेरियल फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। तो ये था स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट टिश्यू, जिसका नाम है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो देखो यहाँ से फंक्शन, हमें एक फंक्शन तो आप सभी में भी लिख सकते हो, प्रोटेक्शन, ठीक है। अब देखिए, लंग्स एल्वियोलाई, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बोमेन कैप्सूल, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स किसमें हेल्प करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इश्यू है हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, कौन सा टिश्यू है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, इसमें जो सेल की शेप होगी वो कैसी होगी बेटा, क्यूब लाइक, कैसी होगी, क्यूब लाइक, ठीक है। जैसे देखिए, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई। इसके ऊपर ऐसी सेल होती है जैसे क्यूब लाइक, ऐसी सेल होती है, क्यूब लाइक सेल्स होती है, ठीक है। किस टाइप की सेल्स होती है, इसमें क्यूब लाइक सेल होती है, ठीक है। एक बार दोबारा से बना देती हूँ, ये कैसी सेल्स होती है, इसमें क्यूब लाइक, इस तरीके से हम बना देते हैं। देखिए इसमें जो सेल्स होती है,
विड्थ होती है। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो राउंडेड होता है। ठीक है, सेंटर में प्रेजेंट होता है। कैसा होता है? सेंटर में प्रेजेंट होता है एंड राउंडेड होता है। देखो इसमें जो सेल्स होती है वो क्लोजली अरेंज होती है। कैसी होती है सेल्स? क्लोजली अरेंज होती है। ठीक है, और हमें कैसी दिखाई देती है? अपीयर इन वर्टिकल सेक्शन। अपीयर इन वर्टिकल सेक्शन एंड पॉलीगोनल इन सरफेस व्यू। और सरफेस व्यू से हमें कैसे दिखाई देती है? ये पॉलीगोनल दिखाई देती है। देखिए स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू था। कौन सा? स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। इसमें जो होती है सेल्स, सेल्स आर अरेंज लाइक, किस तरीके से अरेंज होती है? अरेंज लाइक टाइल्स ऑन फ्लावर। जैसे फर्श में टाइलें लगी होती है ना, इस तरीके से स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू में सेल्स अरेंज होती है। ठीक है, जिसकी वजह से सो इट इज कॉल्ड पेविमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसकी वजह से? इनको हमें पेविमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू में जो सेल्स होती है वो किस तरीके से अरेंज होती है? जैसे फर्श में टाइल अरेंज होती है, जिसकी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं? पेविमेंट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू में सेल्स क्या होती है? क्लोजली अरेंज होती है। कैसे में दिखाई देती है? अपीयर इन वर्टिकल सेक्शन एंड पॉलीगोनल इन सरफेस व्यू। ठीक है, सभी की लेंथ क्या होती है? इक्वल, एंड विड्थ भी क्या होती है? इक्वल होती है। अब हम बात करते हैं ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, इसके टाइप की। ठीक है, इसके टाइप की, टाइप्स ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, तो टू टाइप्स क्या होते हैं बेटा? एक होता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू देखिए कहाँ मिलता है? इट इज फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ यूरेनिफेरस ट्यूब्स। देखिए यूरेनिफेरस ट्यूब्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था ना, नेफ्रॉन्स के टू पार्ट्स होते हैं। एक बताया था मैंने रीनल कार्पसंस और एक बताया था रीनल ट्यूब्स। तो रीनल ट्यूब्स को भी क्या बोला उन्होंने? यूरेनिफेरस ट्यूब्स बोला है। क्यों बोला है? यूरिन। ठीक है, यूरेनिफेरस का मतलब यूरिन, क्योंकि किडनी का क्या काम है? ब्लड को फिल्टर करके हमारी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकाल देना। किस फॉर्म में? यूरिन की फॉर्म में। ठीक है, देखिए थायराइड वेसिकल्स, स्लेवरी एंड पैनक्रियाटिक डक्ट, स्लेवरी एंड पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट अलोंग विद द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं बेटा? एक होता है मेल ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन, और एक होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो कहाँ कहाँ मिलता है पता चल गया? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नेक्स्ट टिश्यू है स्ट्रेटिफाइड। कौन सा टिश्यू है? स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, तो ये कहाँ मिलता है? इट इज फाउंड इन द लेयर ऑफ
होती है, जैसे हम बात करें सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, मैमरी ग्लैंड, टीयर ग्लैंड, ठीक है। तो जो ग्लैंड्स होती है उनकी लेयर भी किसकी बनी होती है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, किसकी, फंक्शन ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। तो देखिए फंक्शन ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू तो ये कहाँ कहाँ मिलता है, देखिए पहला बताया मैंने सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू यूरिनरी ट्यूबल्स में। अब देखिए किडनी में जो यूरिनरी ट्यूबल्स होते हैं उनका क्या काम है बेटा, रीअब्सॉर्प्शन करना। क्या काम है, पहला फंक्शन क्या हो जाएगा, रीअब्सॉर्प्शन। क्या हो जाएगा पहला फंक्शन, रीअब्सॉर्प्शन। रीअब्सॉर्प्शन क्या होता है, देखिए हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था डाइजेशन। डाइजेशन क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फूड को किस में तोड़ देता है, सिंपल फूड में, एंड सिंपल फूड अब्सॉर्ब कर लिया जाता है हमारी बॉडी के द्वारा और कहाँ पे पहुंचा दिया जाता है, ब्लड के पास, और ब्लड को क्या करती है किडनी फिल्टर करती है, एंड ब्लड के साथ जो एसेंशियल कंपोनेंट्स आ जाते हैं किडनी में, ठीक है, तो ये वेस्ट को तो बाहर निकाल देती है, एंड एसेंशियल कंपोनेंट्स जो होते हैं उनका दोबारा से क्या किया जाता है, रीअब्सॉर्प्शन किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है रीअब्सॉर्प्शन। सेकंड फंक्शन हो गया सीक्रेशन। अब देखिए जो ग्लैंड होती है वो तो सीक्रेशन करेंगी, ठीक है, किसका करेंगी, जैसे हार्मोन्स का, एंजाइम्स का, स्वेट ग्लैंड है, ठीक है, स्वेट का करेंगी, ठीक है। इसी तरह सीक्रेशन में हेल्प करती है ये, एंड एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है इट हेल्प इन द गैमेट फॉर्मेशन, और ये किस में हेल्प करती है, गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करती है। एक होता है जैसे मेल गैमेट, क्या होता है मेल गैमेट, मेल गैमेट क्या होता है बेटा, स्पर्म, ठीक है, और एक होता है फीमेल गैमेट जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवा या फिर एग, ठीक है। तो हमारे जो सेक्स ऑर्गन है, जैसे मेल जो सेक्स ऑर्गन है वो क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है टेस्टिस, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है बेटा, ओवरी या फिर एग। इनकी भी जो लाइनिंग होती है वो किसकी बनी होती है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है, तो जिसकी वजह से ये किसमें हेल्प करते हैं, गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तीन मेन फंक्शन ध्यान रखने, रीअब्सॉर्प्शन, दूसरा सीक्रेशन, एंड तीसरा गैमेट फॉर्मेशन। तो ये थे आज हमने पढ़े हैं दो टिश्यू, कौन से, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। एक बार हम रिविजन कर लेते हैं, देखिए स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू क्या था, उसमें जो सेल्स थी वो क्या थी, क्लोजली अरेंज थी, और किस तरीके से अरेंज थी, जैसे टाइल में, टाइल जो होती है ना फर्श पे टाइल लगी होती है उस तरीके से उनमें सेल्स अरेंज थी, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोल देते हैं, पेविमेंट मेम्ब्रेन बोल देते हैं। इनमें जो सेल्स होती हैं वो क्लोजली अरेंज होती है, बट सभी की लेंथ जो होती है वो इक्वल और विड्थ भी क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। दोनों में न्यूक्लियस सेंटर में था, राउंडेड था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टिश्यू के बारे में देखेंगे, अब हम पढ़ेंगे कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू के बारे में, कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू के बारे में, ठीक है। तो इसमें जो सेल की जो शेप होती है वो कैसे होगी, देखो नाम से ही पता चल रहा है, इसमें जो सेल होती है उनकी शेप कैसी होती है, लॉन्ग होती है, सिलिंड्रिकल होती है, एंड पिलर लाइक होती है। कैसी होती है, पिलर लाइक मीन्स, पिलर मीन्स क्या होता है, खंबा, एक पोल की तरह इनकी शेप होती है। जैसे यहाँ पे मैं बना रही हूँ, जैसे ये कोई भी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई,
इस पे जो सेल होती है ये इस तरीके से होती है, कैसी होती है ये इस तरीके से होती है, पिलर लाइक, ठीक है। कैसी सेल्स होती है, पिलर लाइक सेल्स इसमें पाई जाती है। देखिए इसमें जो न्यूक्लियस होता है, हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, तो कोलुमनर एपिथेलियम का जो न्यूक्लियस होता है वो इलोंगेटेड शेप का होता है। कैसा शेप होता है, इलोंगेटेड शेप का होता है एंड प्रेजेंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, नियर द बेस और नियर द बेस ऑफ सेल्स, और जो सेल्स का बेस होता है उसके पास प्रेजेंट होता है। जैसे ये न्यूक्लियस हो गया इलोंगेटेड शेप का, ठीक है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, बेसल पार्ट ऑफ सेल, सेल के बेसल पार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके जो सेल्स होती हैं इसमें पिलर लाइक, उनके जो फ्री एंड होते हैं ऊपर के साइड जो होते हैं कुछ इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मिलते हैं, ठीक है। उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, माइक्रोविलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई। देखो आपने स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ा था विलाई मिलती है, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मिलते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं, और माइक्रो मीन्स छोटा सूक्ष्म। तो विलाई के क्या फंक्शन हुए, इट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। क्या करते हैं ये, इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं फूड के अब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। तो कोलुमनर एपिथेलियम के टू टाइप्स होते हैं, कौन कौन से वो टू टाइप्स होते हैं, एक होता है सिंपल कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू एंड एक होता है स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो सिंपल कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू ये कहाँ मिलता है, इट इज फाउंड एंड लाइज इन द स्टमक स्टमक इंटेस्टाइन एंड गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर को हम पित्त की थैली बोलते हैं, लीवर से बाइल जो सीक्रेट होता है कार्बन स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। इंटेस्टाइन जो होती है टू टाइप्स के होते हैं, लार्ज एंड स्मॉल, ठीक है। एंड स्टमक में फूड आता है और लगभग चार घंटे इसमें फूड रहता है। इट आल्सो अक्कर इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ठीक है, एक्सेट्रा। दूसरा टाइप हो जाएगा इसका स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू ये कहाँ मिलता है, इट इज फाउंड इन द कवरिंग ऑफ एपिग्लोटिस। कहाँ पे मिलता है, जो एपिग्लोटिस की कवरिंग होती है ना वो किसकी बनी होती है बेटा, स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। ये एपिग्लोटिस क्या होता है, देखिए ये था हमारे माउथ का पिछला पार्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, फैरिंक्स, ठीक है। इसका बेटा एक पार्ट तो अटैच होता है इसोफेगस फूड पाइप से, किससे अटैच होता है, इसोफेगस, इसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, और इसका एक पार्ट अटैच होता है लैरिंक्स या फिर वॉइस बॉक्स से, ठीक है, वॉइस बॉक्स से। तो जो फैरिंक्स का इसोफेगस से जो पार्ट अटैच है इसको तो हम बोलते हैं गलत, क्या बोलते हैं, गलत, और इसको हम बोलते हैं ग्लोटिस, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोटिस। तो यहाँ पे जो एक मसल्स की लेयर बनी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस बोलते हैं। ये क्या करता है, हमारे खाने की एंट्री को रोकता है हमारे वॉइस बॉक्स में जाने से। ये ओनली कब ओपन होता है, तब हम ब्रीदिंग करते हैं, तब हम सांस लेते हैं ना, तभी ये ओपन होता है, ठीक है। तो एपिग्लोटिस की जो कवरिंग होती है ना वो किसकी बनी होती है, स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर
बनी होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू के फंक्शन की। किसकी? कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू के फंक्शन। तो पहला एक फंक्शन आपको याद रखना है, प्रोटेक्शन। क्या याद रखना है? प्रोटेक्शन। ठीक है, तो अब हम करते हैं इनके फंक्शन की बात। तो फंक्शन क्या हो जाएगा? पहला ही फंक्शन प्रोटेक्शन। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंड दूसरा फंक्शन जो कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू ऑफ इंटेस्टाइन हेल्प इन द वाटर अब्सॉर्प्शन। किसमें हेल्प करेगा? वाटर अब्सॉर्प्शन में हेल्प करेगा एंड डाइजेशन ऑफ फूड। और किसमें हेल्प करता है? फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है बेटा। ठीक है, ये आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? वाटर का अब्सॉर्प्शन होता है, डाइजेशन होता है फूड का। ठीक है, एंड तीसरा जो है वो हम ध्यान रखना है हमें, सिक्रेशन। ये क्या करती है? ग्लैंड्स क्या करती है? सिक्रेट करती है एंजाइम्स का। ठीक है, तो ये था कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। तो आज हमने पढ़ लिया है स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, सेकंड हमने पढ़ा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू एंड थर्ड हमने पढ़ा है कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू। तो देखो इसमें मेन डिफरेंस न्यूक्लियस का है। ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू और क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू में न्यूक्लियस राउंडेड शेप का था और सेंटर में प्रेजेंट था। बट जो कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू है उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो इलोंगेटेड होता है और सेल के बेस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये था टिश्यू के बारे में, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल्स। थैंक्स।